दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बात की जाए। तो राखी अपने बेटे, राखी माँ अपने बेटे से बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, प्रीता की याद आ रही है और जहाँ पर निधि के बारे में भी बात हो रही है। लेकिन दोस्तों निधि को एक्सपोज करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी फैसला लेना पड़ सकता है वो सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि निधि की हरकतें जो रही हैं हमेशा से ही वो भी ज़्यादा बहुत गंदी रही हैं। और इधर सोच लिया है हर तरीका से कि निधि को किसी भी तरीका से सभी लोगों के सामने एक्सपोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि निधि का लगातार बिहेवियर जो है वो घर वालों के खिलाफ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बात की जाए तो राखी माँ ने इस समय करण से शिकायत की है, लेकिन करण ने भी साफ साफ बोल दिया है कि घर के मामलों में किसी भी तरीका से मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये मेरी निजी राय है। और निजी राय की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि अपने घर के किसी भी फैसले में जो कि खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और यही कारण रह रहा है क्योंकि आज करण कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है और आज भी उसे प्रीता की बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन आखिरकार मानना यह है करण का कि जो मेरे साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि वो प्रीता से तो खपा है ही, लेकिन वो साथ में सभी घर वालों से भी खपा है, क्योंकि दोस्तों प्रीता को किस तरीका से इन लोगों ने निकाला था और प्रीता के साथ साथ में सृष्टि को भी इस घर से निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों जल्दी ही प्रीता की एंट्री होकर कहानी में बहुत बड़ा रंगमंच बदलता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता एक ऐसी सब लड़की हैं जो हमेशा से ही अपनी पावरफुलिटी पर काम करती हुई नज़र आई हैं, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीका का कोई भी सवाल पैदा ना हो। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, जी हाँ, मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच गाइज।